हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने टू वेरिएबल्स के लिमिट्स से रिलेटेड एग्जांपल की थे। आज हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। फॉर टू वेरिएबल्स, किसके लिए? टू वेरिएबल्स के लिए हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमारा क्या कहता है। अलजेब्रा का मतलब बीजगणित। बीजगणित में हमको पता है हमारे चार ऑपरेशन होते हैं मेन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चार ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, बाकी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इन्हीं ऑपरेशंस के कंपोजिशन होते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में फॉर टू वेरिएबल्स के अंदर हम देखेंगे कि नंबर फर्स्ट की लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई। हमें यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखा है एफ, एक फंक्शन दे रखा है हमें जी, कि इन दोनों का योग करके हम उस पर अगर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट क्या होगी, ये क्या होगा, इस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ये लिमिट जो है इस फंक्शन एफ और जी पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगी। यही क्या कहता है हमारा प्लस के लिए, एडिशन के लिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट। सेम वही है जो हमने वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था, वहाँ हमने इनको प्रूफ भी किया था अच्छे से। यहाँ हमारे पास प्रूफ की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शंस का सम है, दो फंक्शंस को जोड़ा जाता है और उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लिमिट सेपरेट सेपरेट उन दोनों फंक्शंस पर अलग अलग अप्लाई होगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए कि दो फंक्शंस का अगर डिफरेंस है एफ और जी का, तो उसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेट हो जाएगा। और अगर इस फंक्शन की एफ एक्स वाई की लिमिट इस पॉइंट ए बी पर एल है और इस जी की एम है, तो ये एल माइनस एम हो जाएगा और ये हमारा L प्लस एम हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड हम देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई डॉट जी ऑफ एक्स वाई। अगर इस फॉर्म में भी है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में है, तब भी लिमिट क्या हो जाएगी, दोनों फंक्शंस पर अलग अलग सेपरेट हो जाएगी और बीच में जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन रहेगा। ये दोनों पर अलग अलग अप्लाई होगी और बीच में जो हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इसकी लिमिट एल है, इसकी एम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल डॉट एम। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविडेंड के लिए, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। अगर इस पूरे पे हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है एफ अपॉन जी पर, तो वो क्या होगी, हमारी लिमिट सेपरेट हो जाएगी एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी जी एक्स वाई। दोनों पे क्या हो जाएगी, अलग अलग ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। न्यूमरेटर पे फंक्शन एफ है तो इस पर अलग अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पे जी है तो इस पर अलग अप्लाई करेंगे। लेकिन जहां हमने लास्ट टाइम भी देखा था वन वेरिएबल के लिए भी सेम कंडीशन टू वेरिएबल की, ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। कब, यहाँ एक और कंडीशन है, वेन एवर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी जी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया
तो क्या होगा, हमारे को इन्फिनिटी दे देगा। अतः जो नीचे वाला फंक्शन है उसकी लिमिट जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो फंक्शन को हमने डिनोमिनेटर में रखा है उस फंक्शन की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो इन्फिनिटी बना देगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नंबर नहीं आने देते हैं। तो यहाँ हमारे को ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी लैम्डा एफ एक्स वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स और लैम्डा दोनों मल्टीप्लाइड में, लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है। अगर एक रियल नंबर और एक फंक्शन का हम मल्टीप्लाइड करके उस पर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है, लैम्डा हमारा बाहर निकलता है, लिमिट केवल फंक्शन पर अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ लैम्डा एक नंबर है। लैम्डा इज ओनली ए नंबर, एक कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। एक लिमिट किसकी है, एक्स वाई की, किस पॉइंट पर, ए बी की। तो लिमिट के लिए आपको एक्स और वाई नज़र आना चाहिए। तो यहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट में जब एक्स और वाई है ही नहीं तो हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, इसलिए हम इस लैम्डा को बाहर निकालेंगे। और लिमिट किस पर अप्लाई होगी, फंक्शन पर। अगर लिमिट हमारी एल है तो ये लैम्डा डॉट एल बन जाएगा, यहाँ पर भी जैसे ये एल अपॉन एम के फॉर्म में बनेगा, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पांच रूल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारे लिए कॉमन है, जो हमने वन वेरिएबल में पढ़ा वही टू वेरिएबल्स के लिए। अब जो एक ध्यान रखने की बात है वो हमारे लिए क्या आती है, वो अब हमें नोटिस करनी है। हम जब वन वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएबल केवल वहाँ हमारा x है, टू वेरिएबल में हमारा x और y है। जब हमें x की ओर जाना है तो हम एक ही दिशा से जाएंगे, जैसे ये नंबर लाइन पे x एक्सिस है, x पे जाना है तो हम एक ही दिशा से जाएंगे। अब अगर हम यहाँ दो x और y दो वेरिएबल्स की बात करें और पॉइंट मेरा जैसे x से आए तो हम x की ओर ऐसे जाएंगे, जबकि x y यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट है तो उसकी ओर जाने के तरीके कितने हैं, यूँ भी जा सकते हैं हम, यूँ भी जा सकते हैं, ऐसे 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 घूम के भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास क्या हो गए, इस पॉइंट x y के पास जाने के तरीके हो गए, क्योंकि ये क्या है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वन वेरिएबल के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आती। वन वेरिएबल में हम कहते हैं कि अगर मुझे a की ओर जाना है तो यहाँ से x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, हमारे पास केवल ये दो कंडीशंस ही। और हम कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल होगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये दो तरीके ही हैं हमारे पास किसी भी एक पॉइंट x की ओर जाने की। सेम अगर हम y की बात करें तो y पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही हमें देखनी है। लेकिन जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट अनंत पथ होते हैं हमारे पास। ऐसे जा सकते हो आप, ऐसे जा सकते हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे अनंत हमारे पास पथ होते हैं। तो टू वेरिएबल्स में क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इफ पॉइंट एक्स वाई इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए बी, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा पॉइंट एक्स वाई अगर ए बी की ओर टेंड कर रहा है, देन एफ एक्स वाई टेंड्स टू एल। हम क्या कह रहे हैं, एफ एक्स वाई एल की ओर जा रही है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये लिमिट एल तब ही एग्जिस्ट करेगी जब हर पथ के प्रत्येक पथ के अनुदेश प्रत्येक पथ के अनुदेश एफ एक्स वाई की सीमा एल हो। एक बार वापस देखेंगे कि क्या कहते हैं हम, कि जब मेरा पॉइंट एक्स वाई किसकी ओर टेंड कर रहा है, ए बी की ओर, एक्स वाई जब ए बी की ओर मतलब इस पॉइंट ए बी पर हम लिमिट देख रहे हैं, तब फंक्शन की लिमिट एफ एक्स वाई की इस पॉइंट पर लिमिट एल कब होगी, जब प्रत्येक पथ के अनुदिश एफ एक्स वाई की सीमा एल हो। मतलब जितने भी पथ के अनुदिश हम आए, अगर हम ऐसे आ रहे हैं तब भी एल होनी चाहिए, अगर हम इस तरीके से घूम के आ रहे हैं तो भी एल होनी चाहिए, अगर हम सर्कल बनाते हुए आ रहे हैं तब भी एल होनी चाहिए, कि किसी भी पथ के अनुदिश में इसकी तरफ बढ़ूं। मोस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है कि जब भी कोई भी पॉइंट आएगा वो स्ट्रेट ही आएगा, सीधे रूप में आएगा, घुमा के नहीं आएगा।
कि ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन से मैं आऊँ, किसी भी दिशा से मैं एफ एक्स वाई एल की, एफ एक्स वाई जब इस पॉइंट एफ ऑफ ए बी की ओर जाएगा तो लिमिट हमारे पास एल ही आनी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे एफ एक्स वाई की लिमिट एल होती है, कि प्रत्येक पथ के अनुदिश उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए एल ही आनी चाहिए, तभी इसकी सीमा क्या होगी एल होगी। ये हमारा सिक्स पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर एक्स वाई हमारा ए बी की ओर जा रहा है, एफ एक्स वाई हमारा अगर किन्हीं भी दो पथों के अनुदिश कि जब मेरा पॉइंट एफ एक्स वाई एल की ओर जा रहा है और एफ एक्स वाई टेंडिंग टूवर्ड्स एल एंड एफ एक्स वाई टेंडिंग टूवर्ड्स एम, देन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई जो पॉइंट है मेरा ए बी की ओर जा रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, एक पथ के अनुदिश एफ एक्स वाई की लिमिट हमें क्या मिली एल, एक पथ के अनुदिश एफ एक्स वाई की लिमिट हमें मिली एम, तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर सभी पथों के अनुदिश लिमिट का मान सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही लिमिट होगी। अगर कोई भी दो पथ ऐसे हैं जिनके लिए लिमिट का मान चेंज हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था यूनिकनेस ऑफ लिमिट कि अगर पॉइंट एक्स वाई, अगर ए बी पॉइंट पर अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो लिमिट यूनिक होगी, और जो भी लिमिट होगी टू वेरिएबल्स के लिए प्रत्येक पथ के अनुदिश वही लिमिट आनी चाहिए। अगर भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, भिन्न भिन्न लाइंस के अनुदिश अगर लिमिट मेरी अलग अलग आती है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ हुई एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स की, सेवन्थ प्रॉपर्टीज़। आपकी बुक में थ्योरेटिकल दे रखे हैं, मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी सिक्स्थ और सेवन्थ है, जो कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि वन वेरिएबल में हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ही देखते हैं, लेकिन जब टू वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस होती है, स्ट्रेट लाइन के रूप में ही हमें कंसिडर करनी है, तो हम बहुत सारी डायरेक्शंस के अलॉन्ग जो हमारी लिमिट है वो हमारी सेम आनी चाहिए। इफ़ टू डायरेक्शंस के अलॉन्ग भी अगर हमारी लिमिट सेम नहीं है, दैट मीन लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम देखते हैं लिमिट्स के एग्जांपल। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट दी हुई होती थी और हमें बोला जाता था कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज़ में करते हुए हमें ये प्रूफ करना है। हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमें फंक्शन दिया हुआ होता था, पॉइंट दिया हुआ होता था, साथ में जिस जो लिमिट हमें प्रूफ करनी होती थी वो भी दिया हुआ होता था कि इस पॉइंट पर लिमिट हमारी क्या होगी एल होगी। इस तरीके से हमें कंप्लीट दिया हुआ होता था, हमें बताया हुआ होता था कि लिमिट तुम्हारी इस पॉइंट पर एल है, और फिर हम डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज़ में लेते थे, डायरेक्ट इसको हम शो करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल्स करने हैं, उसमें केवल हमें यही दिया हुआ होगा फंक्शन पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट पर लिमिट क्या होगी ये हमें नहीं दिया हुआ है। अब हमें लिमिट भी खुद को निकालनी है, या तो वो बोला क्वेश्चन में दिया जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या ये हमको सिद्ध करना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट क्या होगी। अब तक के जितने एग्जांपल हमने टू वेरिएबल्स के लिए हमने पढ़े उसमें हमें एल दिया हुआ होता था, लेकिन अब हमें एल नहीं दिया हुआ होगा, हमें केवल इसी तरीके से दिया हुआ होगा, हमें खुद को ही देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तब हम क्या करते हैं ये हमें देखना है। हमने यहाँ बात की थी कि भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश हमारी अगर लिमिट भिन्न भिन्न होगी तो हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम सबसे पहले एग्जांपल वन देखेंगे। हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल जो वन हमें दिया हुआ है, दिखाइए कि शो दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स वाई इक्वल टू 0, 0। हमें क्या दिया हुआ है कि इस पॉइंट की
कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ पर? जब ये पॉइंट क्या होता है, 0 0 पॉइंट पर। हमें ये दिखाना है कि जो ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई 2y/x, इसकी लिमिट चेक करनी है किस पॉइंट पर, एक्स वाई बराबर 0 0 पॉइंट पर। मतलब ए बी की जगह हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0 0। इस पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का हमने क्या मतलब बताया टू वेरिएबल के लिए, कि भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश लिमिट क्या होगी, भिन्न भिन्न। अब वो पथ कैसे लेने हैं हमें, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो वही हमारा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई हमारा क्या है 2y/x। अभी तक तो हम क्या करते थे, वन वेरिएबल में a प्लस एच ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। अब यहाँ हमारे पास वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होता है, पथ चुनने होते हैं। और ये जो हमारा पाथ जो होता है, पथ जो होता है, वो किस रूप में होता है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। ये हमारी कौन सी लाइन है, y बराबर x। ये क्या हो जाएगी हमारी, y बराबर 2x। तो इस तरीके की हमें लाइंस चुननी होती है। माना लेट लिमिट अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं। लिमिट अलोंग द पाथ, किस पाथ के अनुदिश, अलोंग का मतलब अनुदिश, किस पाथ के अनुदिश, y बराबर mx पथ के अनुदिश हम इस फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं। इट मीन्स हमें क्या करना है, y बराबर mx पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू mx, हमें क्या करना है इसमें y की जगह mx सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स वाई टेंस टू 0 0 टू एम एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, वन वेरिएबल में। क्योंकि यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, टू वेरिएबल दिख रहे हैं, y भी दिख रहा है x भी दिख रहा है। अब जैसे हमने y बराबर एम एक्स रखा, तो ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, x में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x टेंस टू 0 ही करेंगे, क्योंकि y है ही नहीं, तो आप लिमिट कहाँ रखोगे। यहाँ ये x x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2m, x है ही नहीं, लिमिट अप्लाई होगी नहीं 2m। तो क्या ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या होगा, m के अगर हम अलग अलग मान करेंगे, इफ हमारे पास क्या आई लिमिट एक्स वाई टेंस टू, हमारे को लिमिट हमारी क्या मिली 2y। इफ m बराबर 1, दैट मीन्स y बराबर x के अनुदिश हो। हमने क्या किया, इफ m बराबर 1 है, अगर m का मान हमारा 1 है, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x के अनुदिश हमारी लिमिट क्या आएगी, l बराबर 2 × 1 क्या हो गया 2। इफ m बराबर 2, तो y बराबर 2x, किस पथ के अनुदिश, y बराबर 2x के अनुदिश, तब l हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2 4। तो हमने क्या देखा, जब m बराबर 1 है, इट मीन्स हमारा जब पथ y बराबर x है, तो हमें लिमिट क्या मिली 2। जब हमारा पथ y बराबर 2x है, अलग अलग हो गया, एक हो गया y बराबर x, एक हो गया y बराबर 2x, दो अलग अलग पथ हैं, तो दोनों के लिए हमारी लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इस लिमिट, इसके अनुदिश हमारी लिमिट 4 है। तो भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, कम से कम दो पथ भी ऐसे, एक पथ भी ऐसा है जिसके अनुदिश लिमिट अगर अलग आ रही है, तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने देखा कि दो भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश लिमिट हमारी यूनिक नहीं है, लिमिट हमारी एक नहीं आ रही है। क्या देखा है हमने, भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश लिमिट इज नॉट सेम, लिमिट इज नॉट यूनिक, कि अलग अलग पथों के अनुदिश हमारी लिमिट यूनिक नहीं है, इसीलिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2y/x does not exist।
ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगी वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगी। यहाँ लिमिट यूनिक नहीं आ रही है, दोनों पथों के अनुदिश लिमिट हमारी अलग अलग है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस पे डिपेंड कर रही है? लिमिट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रही है हमारी लिमिट? एम पर, एम पर ही डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एम का मान चेंज होता जाएगा, मतलब पथ चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पथ लिया था वाई बराबर एम एक्स, तो जैसे जैसे आप एम का मान चेंज करते जाओगे आपका पथ चेंज होता जाएगा, और जैसे जैसे पथ चेंज होगा तो ये एम का मान चेंज होगा तो लिमिट भी हमारी चेंज होती जाएगी। इसलिए लिमिट किस पे डिपेंड करी है? एम पर। और एम क्या है? इसका स्टैंडर्ड है, इस पथ का स्टैंडर्ड नोटेशन है, जहाँ पर हम जैसे एम की वैल्यू चेंज होगी हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद हम। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हमें क्या दे रखा है? fx y हमें दे रखा है x स्क्वायर y अपॉन x4 + y2, कब? जब x4 + y2 नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो जब x बराबर जीरो है, y बराबर जीरो है। हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसकी लिमिट हमें क्या करना है? शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई, जब x4 + y2 जीरो के बराबर नहीं है, जब ये जीरो के बराबर नहीं है तब फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है? इस तरीके से। और जब x बराबर जीरो है, y बराबर जीरो है, तो ये क्या है? जीरो। यहाँ जीरो जीरो होते ही क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इस फंक्शन को हमने पीस वाइज डिवाइड किया है। पीस वाइज का मतलब, पीस का मतलब टुकड़े करना, तो यहाँ हमने क्या किया? अलग अलग डिफाइन किया, क्योंकि जैसे ही अगर अपॉन में जीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी बनाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हमने क्या किया? जब जीरो जीरो बन जाता है तो हमारा फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। तो हमें दिखाना है कि इस फंक्शन की, इस फंक्शन एफ एक्स वाई की जीरो जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम हमें दिखाना होगा कि दो ऐसे पाथ हमें चुनने हैं, दो ऐसे पथ बनाने हैं जिनके लिए ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें यही दिखाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, एक्स वाई जीरो जीरो की ओर जा रहा है, हमें ये चूज करना है कि हमें ये वाला फंक्शन उठाना है या ये, इसको लेना है या इसको, क्योंकि एक्स वाई, हम क्या कहते हैं कि एक्स वाई जीरो जीरो की ओर जा रहा है, टेंड कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो जीरो पर पहुंचा नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे? इसको लेंगे, क्योंकि हम जीरो की ओर जा रहे हैं, एग्जैक्टली जीरो जीरो पर पहुंचे नहीं है। अगर एग्जैक्टली जीरो जीरो की बात करेंगे तो हमारे एफ जीरो जीरो क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो, लेकिन हम जीरो की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या लेना है? फंक्शन ये लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई, हम क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन x4 + y2। अब वही हमें एक पथ चुनना होगा, क्योंकि ये क्या है? टू वेरिएबल्स में, पथ के द्वारा हम इस टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कनेक्ट कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले हमने mx रखा था, तो पूरा का पूरा x में कन्वर्ट हो गया, तो पथ इसलिए चुना जाता है ताकि हम उस टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करें। पुट अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, कौन सा पाथ लिया है मैंने? y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो पुट y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? y की जगह एम एक्स स्क्वायर को पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, वाई की जगह हम क्या रख रहे हैं? एम एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम एक्स भी तो रख सकते थे हम, हमने एम एक्स स्क्वायर ही क्यों रखा?
तो उसका भी हम अभी देखेंगे सॉल्यूशन क्यों रखा, क्योंकि अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, x में, तो हमें y की लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ क्या रखा, x टेंड्स टू जीरो। अभी हमारा क्या बन गया, एम एक्स फोर एक्स फोर प्लस एम स्क्वायर एक्स फोर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स फोर एम, नीचे से भी हमारा एक्स फोर कॉमन आ रहा है, एक्स फोर एम स्क्वायर प्लस वन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स फोर से एक्स फोर कैंसिल हो गया, m एम स्क्वायर प्लस वन, एक्स है ही नहीं तो लिमिट हमारी क्या आ गई, m एम स्क्वायर प्लस वन डिपेंड्स ऑन m, जो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे। अब हमारी बात आ रही है कि m बराबर एम एक्स स्क्वायर क्यों रखा, एम एक्स स्क्वायर इसलिए रखा क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इनकी घातों में अंतर है, ऊपर तो घात स्क्वायर दे रखी है, अगर y बराबर एम एक्स रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा क्यूब, लेकिन नीचे क्या है एक्स फोर फोर, तो हमें इस x की घात को सेम बनाने के लिए हमने पथ कैसा चुना, y बराबर एम एक्स स्क्वायर। अगर आप y बराबर एम एक्स लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको एक और पथ तो फिर भी चुनना ही पड़ेगा, दूसरा पथ वो हमारा क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर ही होगा, आपकी बुक में किया हुआ इस तरीके से कि एक पथ तो लिया y बराबर एम एक्स और दूसरा लिया y बराबर, एक तो लिया y बराबर एक्स और दूसरा लिया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक बार x लेके दिखाया एक बार एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट ही क्या लिया y बराबर एम एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ m की अलग अलग वैल्यू रख के दिखाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दिए, तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी लिमिट जीरो आ जाएगी, इससे आपकी लिमिट वन बाई टू आ जाएगी, तो भी वो क्या नजर आएगा, लिमिट अलग अलग है दोनों पथों के अनुदिश, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने यहाँ पे m माना है, तो y बराबर एम एक्स स्क्वायर मानने का रीज़न क्या है, ताकि ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरी x की घात जो है सेम बन जाए, ताकि मैं जब भी इसको कॉमन लूँ तो वो कैंसिल हो जाए, पूरा का पूरा मुझे क्या नज़र आ जाए, m नज़र आ जाए, पूरी की पूरी लिमिट किस में नज़र आ जाए, m के रूप में नज़र आ जाए, तो अब ये लिमिट किस पर डिपेंड करिए, m पर, जैसे ही m बराबर 1 रखेंगे हमारा पथ क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, तब हमारी लिमिट क्या आएगी, वन अपॉन टू, जैसे ही m बराबर हमने क्या रखा 2 रखा, तो y बराबर टू एक्स स्क्वायर, तो लिमिट क्या आ जाएगी, जो लिमिट हमारी l है वो हमारी क्या आ जाएगी तब 2 अपॉन 5, तो लिमिट भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, हमारी लिमिट सेम नहीं है, तो हमने क्या देखा, लिमिट इज नॉट यूनिक अलोंग टू डिफरेंट पाथ, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी लिमिट भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश सेम नहीं है, व्हेन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब लिमिट हमारी आती है वन अपॉन टू, और when y is equal to 2x square तब हमें मिलता है l is equal to 2 upon 5, 1 upon 2 is not equal to 2 upon 5 implies that limit xy tends to 0 0 fxy does not exist, इसका मतलब कि इस फंक्शन की 0 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सिंपल क्या करना है हमें, जो भी टू वेरिएबल्स की अगर हमें लिमिट नहीं दी हुई है तो हमें क्या करना है, दो अलग अलग पथ लेने हैं, उन पथों के अनुदिश हमें दिखाना है कि सीमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर पथों के अनुदिश हमारी सीमा अगर सेम आ जाती है, इन द केस अगर ये लिमिट हमारी सेम आती है दोनों पथों के अनुदिश, तो हम एक तीसरा पथ लेंगे उस पर भी देखेंगे सेम है, चौथे पर भी देखेंगे सेम, उसके बाद हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन लगाएंगे, अगर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन उस लिमिट के लिए एग्जैक्टली फॉलो हो जाती है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन उस लिमिट के लिए फॉलो नहीं हो पाती है, हम उसको जब लगाते हैं हम उसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो भी एग्जैक्ट लिमिट नहीं है, तो इस मेथड से जो ये y बराबर एम एक्स का जो सब्सटीट्यूशन का मेथड है जो ये, इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, जैसे हमने देखा दो एग्जांपल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर सभी पथों के अनुदिश लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे लिमिट यही होगी, नहीं, हमें एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से उसे सिद्ध करना होगा, अगर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से भी वो लिमिट सिद्ध हो गई तो
तो लिमिट वही होगी, अदरवाइज वो लिमिट नहीं है। तो इस मेथड से हमें एक आइडिया लगता है, हम केवल अप्रोक्सीमेट करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो ये लिमिट हो सकती है, लिमिट होगी नहीं, लिमिट हो सकती है, फिर हम उसको चेक करेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे। थैंक यू।